नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। अब युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना होगा सच। युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना सच होने वाला है। राज्य के सरकारी आईटीआई केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर श्रम विभाग 1 से 2 दिनों में रिक्तियों की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज देगी। इसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खाली पदों में अधिकतर शिक्षक संवर्ग के हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य भर के सरकारी और निजी आईटीआई में खाली पदों पर बहाली जल्द से जल्द करने का निर्देश श्रम संसाधन विभाग को दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अनुपातिक रूप से इंस्ट्रक्टर, प्राचार्य और उपप्राचार्य के सभी खाली पदों को नहीं भरा जाएगा तो शिक्षकों के अनुपात में सीटें कम कर दी जाएंगी। दिसंबर के अंत तक न्यू आईएसबीटी के पास बनेगा मेट्रो डिपो। पटना मेट्रो को लेकर बीते एक साल में 3,000 करोड़ से अधिक का टेंडर जारी अब तक किया जा चुका है, जिसके बाद दिसंबर के अंत तक न्यू आईएसबीटी के पास मेट्रो डिपो के विभिन्न तरह के काम जैसे पटरी आदि के निर्माण के लिए भी निविदा जारी कर दी गई है। इसको लेकर आने वाले 6 जनवरी को भी मीटिंग आयोजित करवाई गई है। इस प्रोजेक्ट को भी एक साल के अंदर पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 7.5 करोड़ की राशि खर्च किए जाने की उम्मीद जताई गई है। पिछले साल के अक्टूबर में पटना मेट्रो के डिजाइन को लेकर निविदा जारी की गई थी। इसके बाद इस साल कुल 11 बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निविदा जारी कर दी है। इसमें खेमनी चौक से लेकर मलाही पकड़ी तक मेट्रो का अलॉटमेंट, 6 अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण, मेट्रो का बिजली के कामों की डीपीआर बनाई गई है। बिहार को जनवरी के अंतिम हफ्ते में कोरोना वैक्सीन मिलने की जताई गई उम्मीद। नए साल 2021 में बिहार के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकता है। कोविड-19 से जूझ रहे लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है ताकि कोविड-19 के भय से मुक्ति मिल सके। देश भर में चल रहे कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल का अंतिम चरण अब समाप्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पटना एम्स में भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। केंद्र की स्वीकृति के बाद राज्य में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। पहले टीके के 28 दिनों के अंतराल पर दूसरा टीका लगाया जाएगा। राज्य में हर व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 5,00,000 सरकारी एवं निजी अस्पतालों के कोविड-19 वॉरियर्स, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिए जाने की तैयारी है। 6 दशक बाद एक बार फिर से राज्य कृषि शिक्षा परिषद का हुआ गठन। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा पर नजर रखने के लिए 6 दशक बाद फिर से राज्य कृषि शिक्षा परिषद का गठन कर दिया है। इस परिषद के महत्व को देखते हुए राज्य में इसे फिर से बहाल किया गया है। अब 6 दशक बाद यह परिषद विश्वविद्यालय में होने वाली कृषि की पढ़ाई को छोड़कर अन्य संस्थानों में हो रही पढ़ाई और प्रशिक्षण कोर्स पर अपनी नजर बनाए रखेगी। उनकी परीक्षा संचालन और सिलेबस निर्धारण की जिम्मेदारी भी इस परिषद के पास होगी। इसके लिए परिषद में कृषि और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों को भी जगह दी गई है। किसानों के प्रतिनिधि क्षेत्र की जरूरत है हिसाब से इस कोर्स का सिलेबस बनाने में मदद मिलेगी। गौर करने की बात है कि सरकार ने राज्य में कृषि शिक्षा पर नजर रखने को एक परिषद की जरूरत 1961 में महसूस की थी। उस वक्त इस नियमावली को बनाया गया था, गठन भी हुआ था, पर काम नहीं पूरा हो सका था। बिहार में अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कर सकेंगे नर्सिंग का कोर्स। बिहार में 2021 में जो भी छात्र 10वीं और 12वीं में कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थी रह चुके हैं वो आसानी से नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नई योजना के तहत पढ़ाई में बदलाव कर लिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नर्सिंग बोर्ड ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि अब जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं वो किसी भी क्षेत्र से है, साथ ही अपने 10वीं और 12वीं पूरी कर चुका है, वो आसानी से नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। इसको लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत हर विद्यार्थी अब नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। आपको बता दें, इस जानकारी के बाद से लोगों के बीच यह भ्रम फैलने लगा था कि क्या अब GNM का कोर्स बंद हो जाएगा। हालांकि इस पर भी स्पष्टीकरण पेश करते हुए साफ बताया गया है कि GNM का कोर्स बंद नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। आज बिहारी बोथ रहे स्पेशल में हम बात करेंगे तोशी सिन्हा की। तोशी सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज ही के दिन साल 1978 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाली तोशी सिन्हा एक भारतीय आवाज अभिनेत्री है जो एक स्वनियोजित फ्रीलांस डबिंग कलाकार के रूप में विदेशी प्रस्तुत को डब करने में माहिर है। बड़े पैमाने पर एक स्थापित ब्रांड मूल्य के साथ प्रसिद्ध पात्रों के लिए डबिंग करते समय कलाकार को नवाचार के बजाय नकल करने के लिए छड़ी करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने डिस्कवरी चैनल, डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क, पोगो, निकलोडियन और यूटीवी पर
जाने वाले विदेशी सामग्री के लिए भी डब किया था। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार आज भी है जारी। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसी वजह से मरीजों को बिना इलाज कराए लौटना पड़ा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या घटकर आधी हो गई है। कई बड़े ओपीडी के काम को भी टाल दिया गया है। इमरजेंसी में मरीजों को भी लौटना पड़ रहा है। इसी बीच पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों को समझाने का प्रयास भी विफल साबित हुआ। टाटा बोर्ड से लेकर सेंट्रल इमरजेंसी तक में भी मरीजों की संख्या घटकर एक चौथाई के लगभग हो गई है। कई विभागों में भर्ती मरीजों ने इलाज की सुविधा नहीं होने की शिकायत की। हालांकि हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की गई, मगर 1.5 घंटे तक चली वार्ता के बाद भी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल तोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सहरसा मानसी और पूर्णिया रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल के रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने इस बार मानसी और सहरसा पूर्णिया कोट रेल खंडों के सिंगल लाइन से दोहरीकरण को लेकर मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए नेशनल रेल प्लान 2021 में शामिल कर लिया है। फेज वाइज रेल खंडों का दोहरीकरण कार्य करने की योजना भी बनाई जा रही है। दोहरीकरण कार्य की शुरुआत सहरसा की तरफ से सहरसा सिमरी बख्तियारपुर से होगा। उसके बाद फनगो सिमरी बख्तियारपुर फनगो हॉल्ट और फनगो हॉल्ट मानसी में दोहरीकरण का काम किया जाएगा। सहरसा मानसी के बीच कुल मिलाकर 42.86 किलोमीटर की दूरी में नॉर्मल सिंगल लाइन सुविधा के साथ दोहरीकरण कार्य साल 2021 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी हुई तेज। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर वार्डवार मतदाता सूची को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जिसके तहत यह सूची 12 जनवरी तक तैयार की जाएगी। 13 से 18 जनवरी के बीच प्रारूप मतदाता सूची की छपाई और 19 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन किए जाने के बाद उसे डेटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति में तैयार करने को लेकर 29 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया है। शनिवार को आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में वार्डवार मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति तैयार करने की जानकारी दी गई। दरभंगा में सर्वाधिक 9 समेत बिहार के 300 ग्राम पंचायतें शहरों का बनेंगी हिस्सा। बिहार में दरभंगा के सर्वाधिक 9 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की 8 समेत करीब 300 ग्राम पंचायतें शहरों का हिस्सा बनने वाली है। प्रदेश में विभिन्न जिलों की 237 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हो गई है। वहीं 194 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनके कुछ हिस्से नगर निकाय में शामिल किए गए हैं। 194 में करीब 65 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनके अधिकांश भाग नगर निकाय में आए हैं, इसलिए इन पंचायतों के कुछ भाग को दूसरा ग्राम पंचायतों में जोड़ दिए जाने की संभावना है। इस तरह अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 300 तक घट जाएगी। अभी 8386 ग्राम पंचायत राज्य में है, इनमें 300 पंचायतें घटती हैं तो ग्राम पंचायतों की संख्या 8086 के आसपास रह जाएंगी। केसी त्यागी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों का भाजपा में विलय होना बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों ने जैसे ही भाजपा का दामन थामा वैसे ही राजनीति बिहार में भी शुरू हो गई। इसी क्रम में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल किए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, महागठबंधन की खूबसूरती के लिए यह कार्य ठीक नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से बिहार पर कोई असर नहीं होगा। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर जदयू रविवार को मंथन कर रही है। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भाग लेने पर भी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज किसानों ने थाली पीट कर किया विरोध। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 29 दिसंबर को किसानों के राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में राज्य के किसान भाग लेने वाले हैं। इसकी तैयारी को लेकर अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में किसान पंचायतों का आयोजन किया गया है। 27 दिसंबर को किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के समय देश भर में थाली पीटते नजर आए और 1 जनवरी को मांग पूरी होने तक आंदोलन पर डटे रहने का संकल्प ले चुके हैं, जिसका ऐलान विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने शनिवार को ही कर दिया था। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बिहार झारखंड के प्रभारी राजाराम सिंह, राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक कुमार सिंह, राज्य किसान सभा के अध्यक्ष ललन चौधरी, किसान मजदूर विकास समिति जहानाबाद के अनिल सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के बिहार महासचिव रामधर सिंह समेत अन्य नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया था। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट के पहले सेशन में मोहम्मद सिराज को गेंद नहीं सौंपने की बताई वजह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के बढ़त बनाते देखी गई है। वहीं मैच के दिन कप्तान रहाणे ने सिराज को पहले सेशन में गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया था और उनसे पहले आर अश्विन को गेंद सौंपी थी। इस पर रविंद्र जडेजा ने बड़ा खुलासा करते हुए इसके पीछे के कारण को साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि गेंदबाज पहले दिन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उनको हर ब्रेक में विकेट मिल रहा था, विकेट गीली थी और
गेंद टर्न हो रही थी। अजिंक्य रहाणे ने मेरी तरफ गेंद फेंकते हुए कहा कि लंच के बाद कुछ ओवर डालने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बता दें, मैदान में अजिंक्य रहाणे ने सिराज से पहले अश्विन को गेंद थमाई थी और उनका यह फैसला एकदम सही साबित हुआ था। अश्विन ने पहले सेट बल्लेबाज मैथ्यू वेड और फिर स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई थी। हर्ष लिम्बाचिया ने अपने ऊपर चल रहे जांच पर कसा तंज। कॉमेडियन और एक्ट्रेस भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया ने अपने ऊपर एनसीबी की तरफ से चलाए जा रहे मामले को लेकर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आजकल लोग सुबह सुबह आ जाते हैं और बहुत कुछ करके चले जाते हैं। दरअसल हर्ष लिम्बाचिया बीते दिनों बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार एपिसोड में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सुबह सुबह मैं आ गया क्योंकि आजकल मेरे घर पर भी लोग सुबह सुबह आ जाते हैं और बहुत कुछ कर चले जाते हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले एनसीबी की तरफ से भारती और हर्ष के घर में सुबह सुबह ही छापा मारा गया था, जिसके बाद ही दोनों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों को जमानत भी मिल गई थी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 18,732 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,87,850 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 279 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,622 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 97,61,538 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 2,78,690 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।